प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए असेसमेंट फोर लेकर आए हैं इंग्लिश का। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो असेसमेंट बच्चों, जितनी भी आपने पीछे वर्कशीट की होती है उनका टेस्ट होता है, उन्हीं के बीच में से आता है। तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और वर्कशीट कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, ताकि आज आप अपना असेसमेंट खुद दे पाओ। आपको देखते ही पता चल जाए कि इसकी क्या स्पेलिंग होती है। अगर आपने कर रखी है तो आपको इनके नेम मालूम होंगे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, तो पिक्चर को देखकर उनके नेम लिखने। तो बच्चों ये पिक्चर है रेन की, यानी क्या हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, तो हमें क्या लिखना है, रेन की स्पेलिंग RAIN, रेन। ये पिक्चर है बच्चों मून की, यानी चंद्रमा की, MOON, मून। ये है मैंगो, मैंगो होता है बच्चों आम। और ये है टोमेटो, टमाटर की स्पेलिंग है ये TOMATO, टोमेटो। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, तो बच्चों ये वर्ड कंप्लीट नहीं है, इसमें बच्चों लेटर मिस है तो हमें उनको फिल करना है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, UCK से हमें क्या लेटर जोड़ना है कि कोई वर्ड बन जाए। यहाँ पर आएगा बच्चों DUCK, डक बन गया। तो ये वर्कशीट में बच्चों हमने ऊपर किया था, ठीक है। यहाँ पर आएगा F, तो बन जाएगा FLAG, फ्लैग। और यहाँ आएगा बच्चों W, W फॉर वॉच, WATCH, वॉच। यहाँ आएगा बच्चों एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। यहाँ आएगा बच्चों बॉल, BALL, बॉल। FLOWER, फ्लावर। फ्लावर होते हैं बच्चों फूल। तो ये आपको स्पेलिंग जो मिस थी बच्चों, इसमें से लेटर मिस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। राइट द नेम ऑफ एनी थ्री फ्रूट्स के आपको नेम लिखने हैं, जो आपको आते हैं आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। एप्पल, APPLE, एप्पल। और यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों बनाना, BANANA, बनाना। तो कोई एनी थ्री आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हम लिख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री वेजिटेबल। तो अनियन की स्पेलिंग लिखेंगे, ONION, अनियन होता है प्याज, ठीक है। और हम दूसरा लिखेंगे पोटैटो की, यानी आलू की सब्जी, POTATO, पोटैटो। और बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं, और एक लिख लेते हैं बच्चों हम कैरेट की, CARROT, कैरेट, ठीक है। तो ये वेजिटेबल नेम हो गए। अब लिखना है बच्चों आपको, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं बच्चों जिनको हम घर में पाल कर रखते हैं, तो आपको उनके कोई थ्री डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चों काओ, COW, काओ। और बच्चों हो गया डॉग, ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो मैं एक लिख रही हूँ हॉर्स, HORSE, हॉर्स। तो ये मैंने बच्चों थ्री डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिख दिए हैं, वेजिटेबल नेम हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए। तो बच्चों ये स्पेलिंग पूरी नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, तो इनको भी कंप्लीट किया है। और बच्चों पिक्चर्स देख के हमने इनके नेम भी लिखे हैं। फटाफट आप असेसमेंट करके टीचर जी को दिखा दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कीजिएगा, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप यहाँ हमें कमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपका मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए हमने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।